हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चैनल आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनको हम समझेंगे ताकि जो है आपको अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सको ठीक है भाई तो डेटा स्ट्रक्चर में आज मैं आप लोगों को ट्री के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इस ट्री में जो है ये वाला जो क्वेश्चन है कि भाई नॉर्मल जनरल ट्री को जो है बाइंडी ट्री में कन्वर्ट करना ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ है मतलब यूजीसी नेट में आया था तो भाई इसके हम दो क्वेश्चन करेंगे ताकि अगर सेम क्वेश्चन आए आपको तो भाई आप बहुत अच्छे से कर सको स्टेप वगैरह अच्छे से कर सको किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख के आना है एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से ट्री बना के दे देगा और इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पूछ लेगा तो एक इस टाइप का पैटर्न देखेंगे और एक देखेंगे कि आपको प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर दे दे तो किस तरीके से ट्री जनरेट कर सकते हो किस तरीके से पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हो और एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर आपको पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर दे दिया जाए तो किस तरीके से प्री ऑर्डर निकालोगे और किस तरीके से ट्री बनाओगे तो ये जो है सारी देखेंगे अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से इनको कर सकते हो ठीक है भाई चलिए वन वन बाय करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपका जनरल ट्री से कि जनरल ट्री को अपन किस तरीके से करेंगे ठीक है भाई तो देखो जनरल ट्री में आपको पता है कि भाई तीन नोड हो सकती है चार नोड हो सकती है लेकिन जब हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो दो से ज्यादा नोड उसके अंदर नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपके तीन नोड है यहाँ पे भी डी के तीन चाइल्ड है ठीक है अब हम इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे किस तरीके से बाइंड्रीड ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके चार स्टेप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो है आपका कन्वर्ट टू बाइंड्री ट्री और इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा और एक ट्री बना के दे देगा है ना ये क्वेश्चन आएगा आपको तो आपको ये चार स्टेप फॉलो करने हैं क्या करने हैं ये चार स्टेप आपको याद भी रखने हैं क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये नहीं कि सॉल्व करके आपको देना है आपको ये लिख के आने पड़ेंगे तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड ब्रांच पेरेंट टू लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड यानी कि जो पेरेंट है उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड आपको ढूंढना है जैसे ये पेरेंट नोड हो गई अब पेरेंट का लेफ्ट क्या है इस पेरेंट का लेफ्ट क्या है भाई बी ठीक है भाई अब अगेन ये जो है ये क्या बन गया पेरेंट बन गया अब इसका लेफ्ट क्या है ए ठीक है भाई अब यहाँ पे यहाँ पे आ जाएंगे ये तो राइट है लेकिन ये तो पेरेंट है ना इस पेरेंट का लेफ्ट क्या है भाई जी तो जो हमारा स्टेप वन था कि फाइंड जो है ब्रांच पेरेंट पेरेंट को ढूंढो और उसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को मार्क कर दो तो मैंने क्या किया पेरेंट ढूंढा और उसका जो है लेफ्ट वाले पार्ट को मार्क कर दिया स्टेप वन क्लियर है उसके बाद स्टेप टू में आपको क्या करना है स्टेप टू में आपको करना है कनेक्ट सिबलिंग टू लेफ्ट टू राइट यानी कि जो आपके सिबलिंग्स हैं यानी कि भाई बहन होते हैं उनको लेफ्ट से राइट कनेक्ट करना है तो बी का सिबलिंग क्या है सी यानी कि राइट right है सी का क्या है राइट ठीक है भाई ई से क्या हो जाएगा राइट right.

डिलीट कर दिया। यहां से ये वाला लिंक डिलीट कर इस तरीके से बना देते हैं ठीक है तो ये मेरे तीन स्टेप हो गए कि भाई डिलीट कर दीजिए डिलीट मैंने कर दिया उसके बाद क्या बोला है उसके बाद बोला है कि भाई जो पेरेंट है उसका लेफ्ट चाइल्ड देखो लेफ्ट देख लिया राइट लेफ्ट टू राइट जो है सिबलिंग्स को मार्क कर दो वो कर दिया अब फोर्थ स्टेप में बोल रहा है कि रूट द जनरल ट्री ऑफ ट्री यानी कि जो रूट जनरल ट्री का है वही बाइंड्री ट्री की रूट नोट बनेगी ये बोल रहा है ठीक है तो हम फोर्थ स्टेप को भी फॉलो कर लेते हैं यानी कि जो हमारा रूट जो है जनरल ट्री जनरल ट्री का है यानी कि ए उसी को मैं रूट ये तो आपको दिखाएगा नहीं हम यहाँ पे ले लेते हैं व्हाइट कलर ठीक है तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया ठीक है इसके बाद ए के लेफ्ट में क्या है बी बी के लेफ्ट में क्या है ई e, और ई e के e के राइट में क्या है एफ तो ई e के राइट में कौन है एफ ठीक है ये वाली लाइन मैंने पूरी कर दी ए के लेफ्ट में बी बी के लेफ्ट में ई e, और ई e के राइट में कौन है एफ तो इस तरीके से मैंने लगा दिया उसके बाद क्या करेंगे बी के राइट में कौन है सी तो बी के राइट में मैंने सी लगा दिया सी के राइट में कौन है डी मैंने डी लगा दिया ठीक है भाई अब डी के लेफ्ट में कौन है जी मैंने जी लगा दिया और जी के राइट में कौन है एच मैंने एच लगा दिया और एच के राइट में कौन है आई तो मैंने आई लगा दिया तो इस तरीके से ये आपका जो है ट्री बन जाएगा इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा ट्री बन जाएगा समझ में आया कि भाई ए के लेफ्ट में बी था तो ए के लेफ्ट में बी लगा दिया बी के लेफ्ट में ई था मैंने ई लगा दिया बी ई के राइट में एफ था तो मैंने ये लगा दिया अब बी के राइट वाले पार्ट में सी है फिर सी के राइट में कौन है डी ठीक है भाई अब डी के लेफ्ट में जी है जी, जी लगा दिया एच लगा दिया आई लगा दिया अब जो ये वाला बाइंड्री टी आपके पास बनेगा इसमें जो है एक दो या फिर जीरो ये नोड होंगे दो से ज्यादा नोड नहीं होंगी तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये चार स्टेप आपको लिखने हैं और इस तरीके से आपको ये बनाना है ठीक है भाई तो आप इसको जो है किस तरीके से करोगे स्टेप वन किया स्टेप वन लिखने के अंदर फाइंड ब्रांच पेरेंट टू लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और ये क्वेश्चन आपका एट मार्क्स का आया था किसके अंदर यूजीसी नेट के अंदर ठीक है भाई तो आप जैसे ये वाला लिखोगे स्टेप उसी तुरंत जो है सारे लेफ्ट लेफ्ट मार्क करके उसके नीचे इसका डायग्राम बना देना स्टेप टू लिखोगे कनेक्ट सिबलिंग लेफ्ट टू राइट तो राइट right राइट -right लिख के जो है इसके नीचे इसका डायग्राम बना देना ऑल लिंक्स को डिलीट करोगे तो स्टेप थर्ड में लिंक को डिलीट कर देना स्टेप फोर में फाइनल जो है ट्री बना देना तो इस तरीके से जो है वन बाय वन करोगे और प्रॉपर एक सिक्वेंस में लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट में और ये क्वेश्चन आया था एट मार्क्स का ठीक है भाई अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये तो बहुत ही छोटा सा है इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं तो सबसे पहले लेफ्ट मार्क कर दिया लेफ्ट मार्क कर दिया ठीक है भाई अब लेफ्ट मार्क करने के बाद क्या है उसमें उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ठीक है तो अब क्या करेंगे राइट मार्क कर देंगे ये राइट मैंने मार्क कर दिया उसके बाद जो एक्स्ट्रा लिंक है उसको डिलीट कर देंगे ये आपके एक्स्ट्रा लिंक है मैंने यहाँ से ये लिंक थे आपके ये मैंने डिलीट कर दिया अब क्या करेंगे ट्री बनाएंगे ए जो रूट नोड थी वो रूट नोड रखी ए के लेफ्ट में कौन था बी बी के राइट में कौन है सी और सी के राइट में कौन है डी ठीक है बस ये आपका इस तरीके से बन जाएगा ठीक है भाई ये आपका इस तरीके से बन जाएगा तो आई होप आपको जनरल ट्री से बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना आया होगा फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है आप पूछ सकते हो लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है भाई और आपको जो है इजीली अगर आप इनको करोगे तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फिक्स होते जाएंगे ठीक है तो डेली के आपको काफी सारी क्लासेस मिलेंगी जिससे जो है छोटे छोटे क्लासेस में और आपको पढ़ा पढ़ने में भी, भी इंटरेस्ट बन बनेगा लंबी क्लास को थोड़ा बोर हो जाते हैं और आपको मजा भी आएगा करने में ठीक है अब यहाँ पे जो है ये रूट नोड है और इससे आपको क्या निकालना है इन ऑर्डर निकालना है इन ऑर्डर आपको पता है क्या होता है पहले लेफ्ट लिखेंगे लेफ्ट के बीच में रूट आती है और फिर आपका राइट पार्ट आता है ये होता है ठीक है भाई प्री ऑर्डर में पहले लेफ्ट आ जाता सॉरी पह, पहले रूट आ जाता है प्री ऑर्डर में फिर लेफ्ट आ जाता है फिर राइट right आ जाता है पोस्ट ऑर्डर कहता है कि पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट right आएगा और फिर आपकी रूट आएगी पोस्ट में लास्ट में आएगी रूट में जो है प्री में पहले आएगी और जो है इन ऑर्डर में आपके बीच में आएगी ठीक है अब देखो यहाँ पे चले लेफ्ट पार्ट लेफ्ट पार्ट क्या है ये अब इसका लेफ्ट क्या है ये ठीक है भाई अब ये भी रूट है अब इसका इसका जो है लेफ्ट पार्ट तो है नहीं ठीक है अब जो है आ, लेफ्ट के बाद हम क्या लिखते रूट लिखते हैं यानी कि पहले आ जाएगा दस फिर आ जाएगा आपका राइट पंद्रह पंद्रह फिर आ जाएगा आपका बीस फिर आ जाएगा पच्चीस ठीक है भाई और सॉरी पच्चीस रूट है पच्चीस से पहले आएगा आपका लेफ्ट यानी कि तेईस फिर आएगा पच्चीस और फिर आएगा आपका थर्टी फिर आएगा आपका थर्टी फाइव थर्टी थर्टी फाइव थर्टी और फोर्टी टू एक तरीके से आप देख सकते हो ये आपका क्या है असेंडिंग ऑर्डर है ये आपका आपका क्या है 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 असेंडिंग ऑर्डर अगर आपको जो है, एक जो एक प्रॉपर यानी कि भाई जिसमें आपके लेफ्ट साइड सारे छोटे हो राइट साइड सारे बड़े हो इस तरीके से दे रखा हो तो आपका असेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपका इन ऑर्डर हो जाएगा अब प्री ऑर्डर की बात की जाए तो पहले रूट आएगी रूट आएगी थर्टी फिर कौन आएगा यहाँ पे रूट है ट्वेंटी यहाँ पे रूट है टेन ठीक है भाई लेफ्ट पार्ट है नहीं तो हम क्या करेंगे राइट राइट पार्ट लेंगे यानी कि पंद्रह फिर आएगा पच्चीस फिर आएगा तेईस अब यहां जाएंगे थर्टी नाइन थर्टी फाइव और फोर्टी टू तो ये हो जाएगा आपका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर की बात की जाए तो पहले लेफ्ट आएगा तो अब ये लेफ्ट आया फिर जो है इसका लेफ्ट ये है और इसके लेफ्ट जो है इस, इसके ये, अब ये पेरेंट बन गया अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं राइट तो पहले आएगा पंद्रह फिर आएगा दस ठीक है फिर आएगा ये आपका लेफ्ट यानी कि तेईस फिर आएगा पच्चीस पच्चीस के बाद आपका कौन आएगा बीस फिर रूट नोड सबसे लास्ट में आएगी फिर आ जाएंगे यहाँ पे पैंतीस बयालीस पैंतीस बयालीस उनतालीस और लास्ट में आ जाएगा थर्टी ठीक है भाई मतलब देखो अब ये रूट नोट है

ठीक है सॉरी पहले लेफ्ट लिखेंगे भाई हाँ पहले लेफ्ट लिखा फिर हमने इसकी रूट नोट लिखी क्योंकि जो सॉरी हाँ पहले लेफ्ट लिखा फिर राइट right है नहीं तो राइट right, अगर राइट right होता तो राइट right लिखते फिर रूट लिखते राइट right नहीं है तो रूट लिखेंगे फिर उसके बाद लेफ्ट पूरा हो गया राइट right पूरा हो गया फिर हमने इसकी रूट नोट लिखी ट्वेंटी फिर जो है ये वाली रूट नोड लास्ट में आएगी फिर जो है इसके राइट वाले क्योंकि अब इस रूट का ये पूरा लेफ्ट पार्ट था अब इस रूट के राइट में आएंगे राइट में अगेन ये रूट नोड हो गई ये लेफ्ट है ये राइट है तो पहले लेफ्ट लिया फिर राइट लिया फिर रूट नोड़ लिया और फिर लास्ट में लेफ्ट और राइट के रूट नोड़ ली तो इस तरीके से हम इसको करेंगे ठीक है भाई समझ में आया तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके हम करेंगे समझ में आया भाई किसी को डाउट है तो बता दीजिए तो इस तरीके से आपको एक ट्री बना के भी पूछ सकता है कि इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर लिखो तीन मार्क्स में पांच नंबर में आपको इस तरीके से पूछ लेगा मे भी तीन नंबर में दे दे ट्री एक, एक नंबर का है ना पांच में भी दे सकता है वो एग्जामिनर के ऊपर है इसके बाद देखो इसके बाद देखो यहाँ पे कोई ट्री नहीं दे रखा यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है भाई यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर दे दिया ठीक है और ये आपका इन ऑर्डर दे दिया तो अब हम इसमें क्या करेंगे आपको पता है कि प्री ऑर्डर में क्या होता है प्री ऑर्डर में जो है आपका क्या होगा भाई रूट पहले आती है और आपका जो है लेफ्ट और राइट पार्ट बाद में आता है है और इन इन ऑर्डर ऑर्डर का आपको पता है कि इन से हमें क्या पता चलता है इन ऑर्डर से हमें लेफ्ट और राइट का पता चलता है तो भाई अब जो है ये मेरा इन ऑर्डर है और ये मेरा प्री ऑर्डर है अब मुझे यहाँ से प्री ऑर्डर सबसे पहले क्या है पच्चीस मुझे ये पता चल गया कि पच्चीस जो है वो रूट नोड है तो मैंने पच्चीस रूट नोड बना दी अब जो है ये वाला पार्ट जो पूरा है ये आ जाएगा लेफ्ट में और ये वाला पार्ट जो पूरा है वो आ जाएगा राइट में एक, दो छत मतलब तो दो, दो, टोटल पंद्रह है तो सात इधर आ गए सात उधर आ गए ठीक है भाई अब लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि भाई रूट नोट क्या बनेगी अब रूट नोट देखने के लिए हम पे जाएंगे रूट नोट देखने के लिए जाएंगे हम प्री ऑर्डर में ऑर्डर में सबसे पहले है पंद्रह यानी कि अब जो इसकी पच्चीस की रूट नोट बनेगी वो क्या बनेगी पंद्रह मैंने यहाँ पे पंद्रह लिखा अब ये पंद्रह रूट नोट हो गई अब पंद्रह के लेफ्ट में क्या है चार दस बारह और राइट में क्या है भाई अठारह बाईस और चौबीस तीन एलिमेंट इधर है तीन इधर है और तीन इधर है अब इन तीन तीन को कैसे करें अब भाई किस तरीके से पता लगाएं कि तीन इधर कौन से आएंगे इधर कौन से आएंगे यानी कि सबसे पहले रूट और रूट देखेंगे यहाँ पे यानी कि दस जो है वो रूट है ठीक है भाई दस क्या है भाई रूट तो यानी कि ये दस रूट है तो दस लिख दो अब दस के लेफ्ट में क्या है चार तो दस के लेफ्ट में है चार दस के राइट में क्या है बारह तो इस तरीके से बना दिया अब इधर देखो अब इधर अगेन तीन है अब इसका रूट देखेंगे रूट देखने के लिए कहां जाएंगे यहां 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 तक हो गया अब रूट मैंने देखा यहाँ पे क्या है बाईस बाइस है तो बाईस को कर दो बाइस के लेफ्ट में क्या है अठारह और राइट में क्या है चौबीस तो इस तरीके से आपका जो लेफ्ट सप्ट्री है वो पूरा जो है वो बनके तैयार हो गया है कि भाई लेफ्ट और राइट में इस तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी अब इधर सात कंपोनेंट आने हैं अब इसमें देखो सात में से कौन से आएंगे तो भाई यहां तक मेरा हो चुका है अब देखो सबसे पहले क्या है थर्टी वन यानी कि इसके जो सबसे पहले रूट बनेगी दैट इज थर्टी वन अब यहाँ पे थर्टी वन देखो कहाँ पे है है है। है। भाई क्योंकि 31 तो तो पे दिख ही नहीं रहा मुझे। देखो क्या missing यहां तक तो मेरा हो चुका साठ और नब्बे चवालीस है और मेरे ख्याल से ये फोर्टी वन है भाई क्योंकि यहाँ पे फोर्टी वन है और यहाँ पे थर्टी वन है ठीक है भाई तो हो सकता है ये आपका फोर्टी वन हो तो मैं यहाँ पे फोर्टी वन लिखने में मिस्टेक रखिए तो यहाँ पे आपका फोर्टी वन आ जाएगा ठीक है भाई अब आप देखो 41 आपकी रूट हो गई तो दो दो एलिमेंट जो है वो कहाँ पे आ जाएंगे लेफ्ट साइड आ जाएंगे और एक दो तीन चार चार एलिमेंट आपके कहाँ पे आ जाएंगे राइट साइड अब जो दो एलिमेंट आपके लेफ्ट में आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा उनको देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या है है ना ठीक है तो ये, ये आपका क्या है प्री ऑर्डर है सॉरी ये है भाई आपका पचास है ये आपका प्री ऑर्डर है प्री ऑर्डर में देखेंगे ना प्री ऑर्डर में रूट क्या है फिफ्टी तो फिफ्टी बनेगी फिफ्टी फोर्टी वन नहीं बनेगी यहां से रूट थोड़ी देखेंगे ये तो आपका जो है इन ऑर्डर है इन ऑर्डर से आपका क्या पता चलता है इन इन ऑर्डर से लेफ्ट और राइट पता चलता है तो भाई ये आपका पचास रूट नोड है तीन एलिमेंट लेफ्ट में आएंगे और बाकी तीन एलिमेंट आपके कहां पे आएंगे राइट में इस तरीके से ठीक है भाई अब जो है रूट क्या बनेगी अब जो है यहाँ पे रूट देखेंगे पचास के बाद क्या आ रहा है थर्टी फाइव थर्टी फाइव यहाँ आ रहा है तो लेफ्ट और राइट देखो लेफ्ट में फोर्टी वन राइट right में है फोर्टी फोर अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो भाई फिफ्टी अब जो है यहाँ पे रूट नोट देखेंगे यहाँ पे रूट नोट देखेंगे तो क्या आ जाएगा सत्तर सत्तर है तो सेवेंटी आ जाएगा और सेवेंटी के लेफ्ट में है सिक्सटी सिक्स और राइट में है नाइनटी ठीक है भाई वैसे तो ये पूरा आपका इन ऑर्डर की जो है आपका जो है उसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट साइड सारे छोटे हैं राइट साइड सारे बड़े हैं तो आई थिंक यहाँ पर जो है वो थर्टी वन ही होगा क्योंकि थर्टी फाइव के लेफ्ट में थर्टी वन आ जाएगा राइट में फोर्टी फोर आ जाएगा तो ये आपका थर्टी वन ही होगा ठीक है भाई क्वेश्चन मिस्टेक था बाकी हमने जो तरीका है वो सही किया है कि भाई प्री ऑर्डर में रूट पहले होती है यानी कि जो प्री ऑर्डर होता है या फिर पोस्ट ऑर्डर होता है वहां से हम क्या देखते हैं रूट देखते हैं और जो आपका इन ऑर्डर होता है वहां से क्या देखा जाता है वहां से आपका जो है लेफ्ट और राइट देखा जाता है कि लेफ्ट में क्या आने वाला है और राइट में क्या आने वाला है ठीक है भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपको खुद करना है ये आपका एक होमवर्क है भाई ये आपका होमवर्क है तो ये आपको पोस्ट ऑर्डर दे रखा है और ये आपका इन ऑर्डर दे रखा है तो सारे इसकी प्रैक्टिस करना कि अगर आ जाए ये पैटर्न तो आप इस तरीके से कर सको इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन आपको जो है ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है ट्री टू बाइनरी ट्री उसका मैं दे देती हूं आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच I, J, K, L, ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आपको दे दिया, इसके स्टेप लिखने हैं ताकि वो आपको याद हो सके और ये ट्री मैंने दे दिया इसका जो है आपको क्या कन्वर्ट करना है बाइनरी ट्री बनाना है ठीक है भाई तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं, और जो हमने किए जो दो हमने टाइप की उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन है ताकि आप इसको जो है कर सको है ना कर सको ताकि जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी तो वीडियो अच्छी लगी हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और क्या हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं अगर आप चाहते हो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं इन सात दिनों में कि भाई जैसे डेटा स्ट्रक्चर के एक दिन हमने पूरा डेटा स्ट्रक्चर के दस से आज जो है छे सात क्लासेस मैंने आपको दी जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी टाइप जो है मैंने वहां पर कवर करवा दी सारे क्वेश्चन एक तरीके से आपके कवर हो जाएंगे नेट वगैरह के तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरीके से जो है आपका काफी हद तक जो है चीजें क्वेश्चन फॉर्म में कवर हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में ठीक है भाई तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू